शुंभ अशुंभ और रक्त बीज ने तीनों लोकों में अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया था। देवता गण परेशान हो गए थे और भगवान शंकर के पास पहुंचे। तब भगवान शंकर ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध करने को आग्रह किया, भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। भगवान शंकर का आदेश प्राप्त करने के बाद पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध किया, जिसमें काली माँ का रूप धारण करके शुंभ निशुंभ को मारा। लेकिन जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकलने वाली रक्त की एक एक बूंद लाखों रक्त बीज हो गए, उससे उत्पन्न हो गए। जैसे जैसे बूंद गिरती जाती थी, उससे एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाता था। तब माँ दुर्गा ने माँ कालरात्रि के रूप में अवतार लिया। माँ कालरात्रि ने इसके बाद रक्त बीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाली रक्त को अपने मुख में भर लिया। रात्रि में की जाती है माँ कालरात्रि की पूजा। माँ कालरात्रि की विशेष पूजा रात में करनी चाहिए। माँ कालरात्रि की पूजा रात में ही की जाती है। तांत्रिक अपने मंत्र साधना के लिए इस दिन का वर्ष में एक दिन ही आता है, जो है कालरात्रि का दिन, जो कि नवरात्रि के सातवें दिन आता है। और वैसे तो नवरात्रियाँ पूरे साल में चार पड़ती हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि भी रहती हैं, उसमें इन कालरात्रियों का बहुत ही विशेष महत्व होता है, जो कि गुप्त होती हैं। मान्यता है कि इस दिन मंत्र सिद्धि होती है, इसलिए सप्तमी की रात्रि सिद्धियों की रात्रि भी मानी जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा होती है। आरंभ करने से पहले कुमकुम, लाल पुष्प, रोली लगाएं। माला के रूप में माँ को नींबुओं की माला पहनाई जाती है और उसके आगे तेल का दीपक जलाया जाता है। माँ को लाल फूल अर्पित किए जाते हैं, साथ ही गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसके बाद माँ के मंत्रों को उच्चारण करके मंत्रों का जाप किया जाता है। इस दिन माँ की पूजा के बाद शिव और ब्रह्मा जी की पूजा भी की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से करियर संबंधी सारी समस्याओं का निदान हो जाता है। वहीं जिन लोगों के अनावश्यक भय बना रहता है, उन्हें भी माँ कालरात्रि की पूजा करने से आराम मिलता है। जिन लोगों को आग, जीव जंतु, भूत प्रेत का भय लगता है, उन्हें भी माँ कालरात्रि आशीर्वाद देती हैं, उनके सारे भय दूर कर देती हैं। और माँ कालरात्रि को इस दिन गुड़ का भोग जरूर लगाएं। गुड़ का भोग लगाने से माँ कालरात्रि प्रसन्न हो जाती हैं और इसके बाद गुड़ को प्रसाद के रूप में लोगों को दान में भी दे सकते हैं, प्रसाद के रूप में और भी लोगों को खिला सकते हैं। इस माँ कालरात्रि के दिन आप चाहें तो रात में या फिर पूजा करते समय यह मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यह देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। ओम कालरात्रि देवे नमः। ओम ह्रीम किम चामुंडाई विच्चे। इन तीन मंत्रों का उच्चारण आप जरूर करें। कालरात्रि माँ आपको समस्त पापों से मुक्ति दिलाएंगी, आपकी समस्त समस्याओं का निदान करेंगी। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में और भी जानकारी मैं इस वीडियो में देती हूँ, किस तरीके से माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए, इसकी विधि, ये सब मैं आप लोग को बताती हूँ। शारदीय नवरात्रि में सातवें दिन कालरात्रि माता की पूजा की जाती है। भयंकर रूप लेने वाली देवी का वर्ण काला कलर का होता है जिनका शरीर, और वाहन उनका हमेशा गधा ही रहता है। कालरात्रि का वाहन माता का गधा होता है। उनके चार हाथ होते हैं। दाहिने दो हाथों में एक अद्भुत मुद्रा व दूसरे हाथ में वरद मुद्रा में रहता है, और बाएं दोनों हाथों में से एक में तलवार व दूसरे में लोहे का अस्त्र धारण हमेशा करके रखी रहती है, क्योंकि कालरात्रि माता दैत्य दानवों और बुराइयों का नाश करने के लिए उत्पन्न हुई है। यह माना जाता है कि वह शनि ग्रह का नियमन करती हैं, दूर करती हैं भय और निराशा व चिंता। तो आप कालरात्रि की पूजा पूरे दिल से करेंगे, पूरे विधि विधान से करेंगे, तो आपको सारी चिंताओं से, आपके सारे दुखों से आपको निवारण मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, माँ कालरात्रि की पूजा करने से शनि ग्रह संबंधित परेशानियाँ भी दूर हो जाती हैं, शनि ग्रह के दोष दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, मृत्यु तुल्य कष्ट भी दूर हो जाते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट से भी मुक्ति मिल जाती है। माँ की आराधना करने से सभी क्षेत्रों में सफलता मिलती है। यह माना जाता है कि माँ कालरात्रि की पूजा से हड्डी संबंधी रोग भी बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, श्वास संबंधी रोग भी बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, और
बहुत सी बीमारियों से निजात मिलती है। इतना ही नहीं, निराशा, चिंता, भय व आपकी सुख घर गृहस्थी संबंधी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। इनकी पूजा व विधि मैं बताती हूँ। शारदीय नवरात्रि के सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा आप करें। इसमें बेल का फूल जरूर रखें, बीला जैसे बोलते हैं, बीले की पत्तियों, बेल की पत्तियों का जो फल आता है उसे आप माँ कालरात्रि को अर्पित जरूर करें। और इसकी एक छोटी सी कहानी और मैं सुनाती हूँ। जब देवी पार्वती ने शुंभ व निशुंभ का नामक दैत्यों का नाश करने के लिए अपना वाह त्वचा को हटाया था, तब उन्हें कालरात्रि का नाम दिया गया था। देवी पार्वती का यह सबसे भयंकर रूप था। वह अपने भक्तों को अभय व वरद मुद्रा में आशीर्वाद देती हैं। अपनी शुभ शुभ शक्तियों के कारण देवी कालरात्रि को देवी शुंभ करी कहकर भी बुलाया जाता है। माँ दुर्गा के सातवें दिन कालरात्रि नाम से जाना जाता है। यह कालरात्रि का स्वरूप देखने के लिए अत्यंत भयंकर देखेंगे तो आप ये अत्यंत भयंकर रूप है और सदैव शुभ फल ही देती है ये माता। इसी कारण इनका नाम शुभ कारी रखा गया है। दुर्गा पूजा के सातवें दिन में कालरात्रि की पूजा की आराधना की जाती है। उनके साक्षात्कार रूप का दर्शन आप उसी दिन कर सकते हैं। माँ कालरात्रि दुष्टों का नाश करने वाली होती हैं, दैत्य दानव का भी नाश करती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।